हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, कामयाबी भी मिलेगी और जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। दोस्तों, मैं जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर, ग्राफोलॉजिस्ट, एक बार फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ कि हमारी समझदारी हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल निभाती है। एक आम इंसान अगर समझदारी से चले तो अक्षरी ज्ञान जो स्कूल कॉलेज में हम किताबों के माध्यम से लेते हैं वो हर चुनौती पे भारी पड़ सकता है। तो जिंदगी में कोई भी गोल, कोई भी एम, जो कुछ भी है वो सारा हमारा माइंड सेट करता है। अगर हमारे माइंड में थोड़ी क्लैरिटी है, हमारे थॉट्स क्लियर हैं, विचारों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कामयाबी 100% मिलेगी। मैं एक बार नहीं, कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका, बहुत बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे रोल मॉडल देखे जो कि जिंदगी में कुछ भी नहीं थे, लेकिन क्लियर थॉट्स की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से, जिस तरह हम अपनी पूरी बॉडी को, अपने सारे इक्विपमेंट, सारे डिवाइसेस को रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह अगर माइंड को भी थोड़ा सा हम अपडेट करें, अवेयरनेस अच्छी से रखें, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो एकदम से क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए कामयाब लोग जो होते हैं वो दुनिया बदल देते हैं, लेकिन जिनके मन में थोड़ा डर होता है, जिनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो दुनिया से डर कर अपने फैसले बदल देते हैं। आपने भी अगर बड़ा बनना है, कुछ भी जिंदगी में अनूठा करना चाहते हो, तो आज से बड़ा सोचना शुरू करो। जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। अनेकों बार फेल हो अगर हम होते भी हैं तो भी हिम्मत बनाए रखना, ये जो है ये किसी सफलता से कम नहीं है। जब भी कोई नया काम शुरू करो तो बस उस टाइम इस चीज का ध्यान रखो कि मैं ये जो काम शुरू करने जा रहा हूं ये मैं क्यों कर रहा हूं, अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या फायदा होने वाला है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि गोल और डिजायर, इच्छा, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। गोल तो आदमी बहुत सारे हम लोग तय कर लेते हैं, लेकिन क्या हम सीरियस हैं उसके लिए, या वो एक जस्ट इच्छा है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, या मुझे ऐसी इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए। इन चीजों को अच्छे से अपने माइंड में एनालाइज करो, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार करो। ये जब सारा थॉट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता लगेंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है जो हम मतलब कि और अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के हर गोल को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। फोकस हमेशा जो है वो जो कल जा चुका है उसको भी भूलकर, और जो आने वाला है उसको बारे में हम कुछ अभी कर नहीं सकते, तो उन चीजों को अपने माइंड से हटा के हमें फिर अपने बारे में सोचना होगा, पॉजिटिव सोच रखनी होगी। जब तक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव सोच नहीं होगी तब तक कामयाबी जो है काफी मुश्किल होती है। आखिर में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कोई भी गोल बनाओ उसके साथ डेडलाइन जरूर फिक्स करना, अदरवाइज डेडलाइन नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर में एक टिप देने से पहले, जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में देता हूं, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऊपर दिए गए लिंक को अभी क्लिक कीजिए और साथ में बेल का बटन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अदरवाइज तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आपका मिल रहा है। तो आखिर में एक टिप, निशाना लगाना ही है तो चांद पर लगाओ, निशाना लगाना ही है तो चांद पर लगाओ, क्योंकि अगर चूक भी गया तो सितारों में जरूर लगेगा।
ये तो आप भी जानते हैं कि सितारे अगर आसमां में चमकते हैं, हमें इतने अच्छे लगते हैं, जब हमारी छाती पे लगेंगे तो फिर कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा। धन्यवाद, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।